आज का हमारा नाइन्थ लेक्चर है आपका अपने इन चैनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम एक ही कमांड डिस्कस करेंगे, एरिया कमांड्स। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, उसमें इंशाल्लाह हम ऑटोकैड का कंप्लीट 2D प्लान उसमें ड्रा करेंगे। इसके अलावा भी ऑटोकैड के आपके पास बहुत सारे कमांड्स और भी है, लेकिन अभी तक जो कमांड्स हमने सीखे हैं, इंशाल्लाह उसको अप्लाई करके हम एक 2D प्लान सीखेंगे कि एक 2D प्लान ऑटोकैड में कैसे ड्रा होता है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कमांड्स है उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी तक जो कमांड्स आपने सीखे हैं उसको हम कैसे काम मिलाते हैं और उससे हम कैसे काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में ये मैं आपको दिखाऊंगा। आज सिर्फ हमारा एक ही कमांड है, एरिया कमांड। बाज़ लोगों को एरिया कमांड्स के बारे में पता नहीं होता कि एरिया कमांड्स कैसे अप्लाई होता है, और इररेगुलर शेप्स हो या रेगुलर शेप हो, जो किस्म की भी शेप हो, एरिया कमांड के मेथड से आप किसी भी प्लॉट का एरिया आसानी ऑटोकैड से फाइंड कर सकते। तो चलो ऑटोकैड ओपन करते। ये पहले से कुछ बनी हुई ड्राइंग्स है मेरे पास। मैं यहाँ पर जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, REC इंटर। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। कुछ स्टूडेंट का कमेंट्स था कि सर ये आप वाइट लाइन में या रेड लाइन में शो कर लिया करें, ठीक है। तो ये मैंने इसको वाइट कर लिया, ठीक है। तो आई चलते हैं, अब इसके लिए हम एरिया कमांड्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। डबल ए इंटर प्रेस करने के बाद आपने एक कॉर्नर से स्टार्ट लेना है। एक कॉर्नर को सेलेक्ट कर लिया, दूसरे को सेलेक्ट कर लिया, तीसरे को सेलेक्ट कर लिया, चौथे को सेलेक्ट कर लिया, और लास्ट पॉइंट पे फिर आ गए, ठीक। फिर आ गए, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर लेना। एंटर प्रेस करने के बाद आप अपने आइकन के साथ देख सकते हो यहाँ पर इंचेस में और स्क्वायर फीट में ये आपको शो कर रहा है कि आपका मतलब ये एरिया इतना है। स्क्वायर फीट में आपको नजर आ रहा है 1976 स्क्वायर फीट, ठीक है। और इस तरह इंचेस में भी आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नीचे जो एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1976.099 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये तो आप कह रहे होंगे ये पैरामीटर भी इस तरह है, आप लोग कह रहे हैं कि यार रेक्टेंगल शेप से इसका तो फार्मूला मतलब एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, फार्मूला इसके लिए पुट कर ले, A=BN(H), तो आपके पास एरिया आ जाएगा। लेकिन इररेगुलर शेप्स के लिए कैसे करते हैं, तो आइए चलते हम इररेगुलर में भी इसको अप्लाई कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक इररेगुलर शेप खुद से एक शेप ड्रॉ करता हूँ, साइज वगैरह मुझे इसका नहीं पता, ठीक है। तो ये एक शेप्स मैंने ड्रॉ कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एरिया मुझे मतलब मेरे पास आ जाए। अब अगर इसके लिए आप इररेगुलर का फार्मूला अप्लाई करते हो, रेक्टेंगल ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड करते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। तो एरिया कमांड से आप एक मिनट में भी ये काम कर सकते हो। डबल ए इंटर, यहाँ से मैं स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट पॉइंट 7, प्रेस एंटर। एंटर मैंने प्रेस कर लिया, तो आप देख ली यहाँ पर इसका ई आपके पास आ गए 1919.834 स्क्वायर फीट, और इसका पैरामीटर बन रहा है 175 फीट × 3/4 इंचेस। तो ये देख रहे हो आसानी से आपके साथ इसका एरिया फाइंड हो गए। और आज के लेक्चर यही तक था। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, उसमें हम एक कंप्लीट प्लान ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कि कंप्लीट प्लान 2D में हमारे पास कैसे ड्रॉ होते हैं। तो ओके, हमारा लेक्चर यही तक था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।